गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑल राइट सर, इम्पोर्टेंट का स्पेलिंग गलत आया है, कहाँ पर? चलिए जी, हाँ जी। तो अप्रैल का सर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, 10 क्वेश्चन कर लिए थे, एक क्लास हो चुका था, उसके आगे के क्वेश्चन आज करेंगे। तो पहले पिछले कुछ क्वेश्चन के बारे में बताइए, याद है कि नहीं? जैसे ये पढ़ा था हम लोगों ने, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनीज हैज कैरिड आउट द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट द लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम? पिक्सेल, स्काई रूट एरोस्पेस, या इसरो, या अग्निकुल कॉस्मोस? हाँ जी सर, ये किसने बनाया है आपका? इसरो ने बनाया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक के क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिए थे, इसके आगे आज स्टार्ट करेंगे। तो आज का नहीं, ये तो 12 है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग, रिसेंटली सेंटेनरी सेलिब्रेशन, मतलब 100 ईयर का सेलिब्रेशन को सेंटेनरी सेलिब्रेशन बोलते हैं, ऑफ वाइकॉम सत्याग्रह वाज इनॉग्रेटेड। तो वाइकॉम सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट्स? ठीक है, तो देखो, गांधी जी के आदर्शों पे चल के कई तरह के सत्याग्रह हुए, जिसमें एक था आपका वाइकॉम सत्याग्रह। ठीक है, वैसे तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है, बट अभी रिसेंट में वाइकॉम सत्याग्रह के 100 ईयर्स पूरे हुए, तो हुए ना, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया, तो उसको हम करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, करंट अफेयर्स के डिस्कशन का आपका फायदा यही होता है कि आपका करंट अफेयर्स में स्टैटिक पोर्शन भी हम साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो उसका भी एक रिवीजन आपको यहाँ देखने को मिलता है, या स्टैटिक में भी कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो वाईकॉम मतलब कुल मिला के, वैसे वाईकॉम टेम्पल है जहाँ पर ये सत्याग्रह हुआ था, वाईकॉम टेम्पल वो मौजूद है आपका आज के केरला में। ठीक है, ये मौजूद है आज के केरला में। देखो, वाईकॉम सत्याग्रह एक तरीके से कास्टिज्म की फाइट थी, कास्ट के अगेंस्ट फाइट करने का ये तरीका था। सीन क्या था, पहले केरला तो नहीं होता था, केरला बाद में बना, पहले एक प्रिंसली स्टेट होता था त्रावणकोर, ठीक है, त्रावणकोर, यहाँ पे इनके राजा महाराजा होते थे, उसी त्रावणकोर में एक टेम्पल था, वाईकॉम टेम्पल। तो उस वाईकॉम टेम्पल में जो लोअर कास्ट के लोग थे, तो वाईकॉम टेम्पल में लोअर कास्ट के लोगों की एंट्री बैन थी। इवन इस टेम्पल के आसपास की जो रोड्स थी, ठीक है, इस टेम्पल के आसपास की जो रोड्स थी, उन रोड्स पर भी लोअर कास्ट के लोग नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो वहां पर एक बहुत ही मिलिट्रिस्टिक फ्यूडल रूथलेस सिस्टम था, जहां पर आपका लोअर कास्ट जैसे कि जावा पुलायाज, इनको बिल्कुल भी एंट्री नहीं थी मंदिर के आसपास जाने की। ठीक है, नॉट जस्ट ऑन टेम्पल एंट्री, बट इवन ऑन वॉकिंग ऑन द रोड सराउंडिंग टेम्पल्स। तो इस वजह से 30 मार्च 1924 को जो सत्याग्रही से
उन्होंने जो फॉरबिडन पब्लिक रोड था, जो रोड्स उनके लिए बंद थे, वहां पर चलना शुरू किया। ठीक है, उनको चलने से रोकने के लिए वहां का जो पुलिस सिस्टम था, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। टेम्पल का नाम था वायकॉम महादेव टेम्पल। ठीक है, इसमें आपके कई लीडर्स लाइक गोविंद पनिक्कर, बहुलियान और कुंजापू, उन्होंने जो भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर से उनको हटाते हुए, डिफाई मतलब उसको रोकते हुए आगे बढ़ते गए। पुलिस उनको रोकती रही, ठीक है, पुलिस ने उन्हें रोका और अरेस्ट किया, बट स्टिल लोग वहां पर जाते रहे। ये तय हो गया था कि हर रोज 3 वॉलंटियर और 3 अलग कम्युनिटी से वहां जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और ऑब्वियसली बात है, जैसे वो वहां जाएंगे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा डजंट मैटर, तुम कितने लोगों को अरेस्ट करोगे, हम भी देखें तुम्हारी जेल कितनी बड़ी है। तो वहां पर जो भी रोड पर ब्लॉक था, वहां पर हर रोज क्या हो रहा था, 3 अलग अलग कम्युनिटीज के 3 लोग जाते थे और रोड पे एंटर करते थे। जैसे ही एंटर करते थे, यहाँ लगी हुई पुलिस उनको अरेस्ट कर रही थी। तो इस चक्कर में जितने भी लोग वहां जा रहे थे, वो अरेस्ट होते जा रहे थे। तो पेरियार जो एक बड़े लीडर रहे हैं साउथ इंडिया के, खासतौर से केरला के, तो उनकी जो वाइफ थी नगामाई, उन्होंने आखिर बड़ा रोल किया, और उनकी सिस्टर कन्नमल, उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया इस प्रोटेस्ट में। फिर 1925 में गांधी जी पहुंचते हैं वाइकॉम पर। ठीक है, तो वहां पर कि वहां के जो रानी थी, महारानी रीजेंट, और उनसे बात करते हैं। उसके बाद 1925 नवंबर 30 में आपका जो वाइकॉम सत्याग्रह था उसको वापस ले लिया गया, क्योंकि उसके बदले में जितने प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया गया और उन लोगों को रोड का एक्सेस मिल गया। ठीक है, तो जो दलित लोग थे, जो आपका लोअर कास्ट के लोग थे, उनको रोड का एक्सेस मिल गया, और साथ ही साथ जितने भी प्रिजनर्स थे उन सबको रिलीज कर दिया गया। तो इसके साथ साथ 1925 में वाइकॉम सत्याग्रह को विदड्रॉ कर लिया गया। फिर आगे चल के 1936 में एक टेंपल एंट्री प्रोक्लेमेशन साइन किया महाराजा ऑफ त्रावणकोर ने, जिसने जो टेंपल पे एंट्री पे बैन था, उस टेंपल एंट्री बैन को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो दैट वाज वाइकॉम सत्याग्रह। तो वाइकॉम सत्याग्रह वाज द बैटल ऑफ लोअर कास्ट पीपल, ठीक है, अगेंस्ट द हायरार्कियल सोसाइटी। तो त्रावणकोर का ये आपका इवेंट है, इसमें गांधी जी का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो लोगों ने गांधी जी के तरीकों से इंस्पायर होकर ही आपका ये सत्याग्रह परफॉर्म किया था। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट वाइकॉम सत्याग्रह। तो वाइकॉम जो जगह है वो आज कहाँ पर है, वो आपको केरला में मिलेगी। ठीक है सर, इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली बसोली पेंटिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, या फिर आप कह लो यूनियन टेरिटरीज, हैज रिसीव्ड द जीआई टैग। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेंटिंग है जिसे बसोली पेंटिंग कहते हैं, उसे जीआई टैग मिला है, तो वो किस स्टेट या यूटी से बिलोंग करती है, बताइए सर। हाँ जी, लगाइए तुक्का। तो बसोली पेंटिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटी हैज रिसीव्ड द जीआई टैग।
अरे वसूली नहीं, बसोली है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो भैया ये जो बसोली पेंटिंग है जिसे जीआई टैग मिला है, दैट इज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है सर, ये पेंटिंग कहाँ की है आपका? जम्मू एंड कश्मीर की है। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर रीजन से ओरिजिनेट होती है, मिनिएचर पेंटिंग कैटेगरी में आती है, और इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। तो पहाड़ी पेंटिंग्स का पहला टाइप ऑफ पेंटिंग ये आपको देखने को मिलेगी। तो इसको 17th और 18th सेंचुरी में, यानी 1600 AD से लेकर 1700 AD का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे और जो वेल्थी मर्चेंट्स थे, उनकी पैट्रोनेज इस पेंटिंग को मिली। ठीक है, तो ये पेंटिंग जिसको जीआई टैग मिला है कहाँ की है? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर की है। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा मैंगो, रामनगर भंता, मतलब बैंगन को कहते हैं वो, और आदम चीनी राइस, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसीव्ड द जीआई टैग? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा मैंगो, रामनगर भंता और आदम चीनी राइस किस स्टेट के हैं जिनको ये जीआई टैग मिला? अब ये क्वेश्चन तो देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आई थिंक बन जाएगा। हाँ जी, किसी को पता है बनारस कहाँ पे? अगर आपको ये पता है बनारस कहाँ पर है तो बता सकते हो आप। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये सारी जो चीजें हैं जिसमें एक लंगड़ा मैंगो है, बनारसी पान है, इन सबको जीआई टैग ऑलरेडी अब आपका मिल चुका है। ठीक है, तो ये सब काशी में आपको देखने को मिलेंगे। आदम चीनी राइस चंदौली डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, और रामनगर का बनता ये आपको रामनगर में देखने को मिलेगा, और बनारसी पान तो आपको सर बनारस में देखने को मिलेगा। एक मूवी भी आई थी डॉन, उसमें था खाई के पान बनारस वाला गाना जो। ठीक है, तो वहाँ की ऐसी स्पेशलिटी है जिसकी वजह से उसको जीआई टैग दिया गया। ठीक है, चलो जी, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रिसेंटली मिर्चा राइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन अवार्डेड द जीआई टैग? देखो आपका, अच्छा लंगड़ा आम बहुत टेस्टी होता है, बहुत मीठा होता है आपका। अल्फोंसो के बाद और जो अमरोली के आम के बाद अगर आप देखो तो लंगड़ा इज वेरी टेस्टी। ठीक है, हाँ, तो ये अप्रैल के मंथ में जीआई टैग्स काफी बांटे गए हैं। ठीक है, तो लगभग जितने भी जीआई टैग्स बांटे गए हैं हमने सारे जीआई टैग्स इसमें आपका कवर कर लिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, ये मिर्चा राइस के बारे में है, तो मिर्चा राइस किस स्टेट का है जिसे जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो जीआई टैग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो मिर्चा राइस किस स्टेट का है जिससे आपको जीआई टैग मिला है? तो मिर्चा राइस बिलोंग्स टू बिहार। तो मिर्चा कह लो या मार्चा कह लो या मिर्चा कह लो, ये अलग अलग नाम होते हैं, ये कहाँ मिलता है आपका? बिहार में मिलता है। ठीक है, इसकी खुशबू काफी अलग होती है, काफी मतलब अच्छी होती है, जिस वजह से इसका नाम है। ठीक है, आपका ये देखने को मिलेगा बिहार वाले एरिया में। ठीक है, ये आपको बिहार में मेनली कहाँ देखने को मिलेगा? वेस्ट चंपारण हो गया, ठीक है, वहां पर ये आपका मेनली देखने को मिलेगा। इससे पहले बिहार के और किन किन चीजों को जीआई टैग मिल चुका है? जरदालू मैंगो, कटरनी राइस भागलपुर का, शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर, मगही पान ऑफ मगध रीजन, ठीक है, और आपका मखना ऑफ मिथिला, इन सबको भी आपका जीआई टैग मिल चुका है। ये मिर्चा मतलब ये नहीं समझना कि तीखा राइस होगा, ये फ्रेग्रेंस के लिए अपना जाना जाता है। ठीक है, खुशबू के लिए। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इमर्ज एज द टॉप अमंग द लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़? ऐसे स्टेट जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ प्लस है। ठीक है, इन द रिसेंटली रिलीज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो ऐसे स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ प्लस है, उन स्टेट्स में एक रैंकिंग की गई,
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन रैंक किसकी निकल के आई है इन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, यानी कहाँ पर पेंडेंसी ऑफ केसेस सबसे आप देखने को मिलेगा कम है, या फिर ऐसे कह लो कहाँ पर जस्टिस जल्दी डिलीवर हो जाता है। तो जितने भी लार्ज स्टेट्स हैं इंडिया के या मिड साइज स्टेट्स हैं, उनमें नंबर वन कौन है अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट? कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर गुजरात? करेक्ट आंसर इज कर्नाटक। ठीक है, तो 18 बड़े स्टेट्स में से टॉप रैंक किसकी है? कर्नाटका की है, सेकंड पे तमिलनाडु है, थर्ड पे तेलंगाना है और सबसे लास्ट पे है आपका उत्तर प्रदेश जो सबसे लोएस्ट रैंक है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल, ये आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 कौन निकालता है? ये टाटा ट्रस्ट और सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, ये मिलके इस रिपोर्ट को निकालते हैं। 2019 में पहली बार ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। ये स्टेट्स को मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी कि कहाँ पर किस स्टेट में जस्टिस डिलीवरी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो वो चेक करते हैं कि उस एरिया में, उस स्टेट में पुलिस कैसी है, जुडिशरी कैसा काम कर रही है, कितने केसेस पेंडिंग है, प्रिजन्स की हालत कैसी है, लीगल एड सरकार कैसे प्रोवाइड करती है, कोर्ट कैसे प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें कंसीडर करके ये रैंकिंग निकाली जाती है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो एवरेज पेंडेंसी हाई कोर्ट्स में है उत्तर प्रदेश, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर सबसे लोएस्ट अगर आप देखोगे तो वो है त्रिपुरा, सिक्किम और मेघालय में। ठीक है, हाईएस्ट पेंडेंसी किसनी है, किसमें है? उत्तर प्रदेश में 11 ईयर्स, मतलब अगर अभी नए केसेस आना बंद कर जाए, हो जाए, फिर भी यूपी को 11 ईयर्स लग जाएंगे पुराने केसेस को, जितने भी उसमें पेंडिंग है उन्हें डिस्पोज करने में। ठीक है, वहीं सबसे कम लगेगा त्रिपुरा को, बस 1 साल के अंदर वो जितने भी पेंडिंग केसेस है वो सारे डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे बुरा हाल किसका है? यूपी का, और होगा भी क्योंकि यूपी के बारे में फेमस है, क्योंकि यहाँ के लड़के डेट पे नहीं जाते, तारीख पे जाते हैं, मतलब कोर्ट में। ठीक है, तो ये इसी वजह से यूपी का ये हाल हो गया है कि हाईएस्ट पेंडेंसी अपना यूपी का है। ठीक है, और लोएस्ट पेंडेंसी कहाँ पर है? त्रिपुरा का है। और जस्टिस डिलीवरी में नंबर वन पे कौन है? जस्टिस डिलीवरी में आपका कर्नाटका है। ठीक है सर, इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट ताइफा 1? ठीक है, कोई एक कंट्री है जिसने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान किया है, ताइफा 1, तो कौन है? साउथ सूडान, मालावी, केन्या, साउथ अफ्रीका? बताइए सर, ताइफा 1। देखो, इसमें एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो इतने बुरे हाल तो नहीं है साउथ अफ्रीका की कि अभी तक उन्होंने अपनी कोई सैटेलाइट लॉन्च ना की हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज योर केन्या। ठीक है, तो केन्या पहली बार अपनी ताइफा 1 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। ठीक है, ये सैटेलाइट किसकी है सर? ये सैटेलाइट आपका केन्या की है। चलो जी, दैट इज अ गुड थिंग। ये इनकी सैटेलाइट मेनली वही वेदर फोरकास्टिंग करेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट में केन्या की हेल्प करेगी। और इसको लॉन्च किसने किया? आपका जो SpaceX का रॉकेट है फाल्कन 9। ठीक है, फाल्कन 9, ये भी पूछ सकता है कभी एग्जाम में कि फाल्कन 9 किस कंपनी का रॉकेट है, तो ध्यान रखना इलॉन मस्क की जो SpaceX है उसका रॉकेट है फाल्कन 9, उसने केन्या की इस सैटेलाइट को लॉन्च किया। केन्या सर है कहाँ? लोकेशन देख लो, केन्या इज इन अफ्रीका। ठीक है, केन्या कहाँ पर है आपका? अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। देखो, जो भी कंट्रीज हैं पढ़ो आप करंट अफेयर्स में, उनकी कैपिटल जरूर ध्यान रखो। जैसे केन्या की कैपिटल है नैरोबी, तो कंट्रीज की जो कैपिटल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कंट्रीज की कैपिटल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इंपॉर्टेंस क्यों रखती है सर?
क्योंकि आप अभी आपका देखो रिसेंट में फायरमैन का एग्जाम हुआ, तो उसमें आप देखोगे मालदीव्स की कैपिटल पूछ ली। मैं हमेशा कहता हूँ अपने पड़ोसियों की कैपिटल तो आपको याद रहनी ही चाहिए, ठीक है। तो मालदीव्स की कैपिटल माले होती है, ये अभी रिसेंट में पूछ लिया गया। और एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका स्टेट्स की कैपिटल पूछ ली गई थी, इंडिया के स्टेट्स की। तो कैपिटल वाला पार्ट अपना मजबूत रखिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सब कैपिटल याद करने ही बैठ जाओ, बस एक बार रिकॉल कर लो। जब भी किसी कंट्री को, कंट्री के बारे में पढ़ो तो उसको याद रिकॉल कर लो कि हाँ इस कंट्री की कैपिटल क्या थी, इस कंट्री की कैपिटल क्या थी। ऐसा नहीं कि अलग से लिस्ट बना के याद कर रहे हो तो वो बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। वो उसमें आपका काफी टाइम चला जाएगा क्योंकि एक आधी सवाल आता है। तो कंट्री को देखो, उसकी कैपिटल एक बार याद कर लो। जनरली वही कंट्री की कैपिटल पूछेगा जो आपका न्यूज में रहती है, जिससे हमें काम पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज और कोई एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं पूछेगा फिजी आइलैंड की कैपिटल बताओ, ठीक है। तो जिससे हमें काम पड़ता रहता है उन्हीं के बारे में वो आपसे बात करेगा, ठीक है। इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रिसेंटली द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द किरित पारिक पैनल और रिकमेंडेशंस। इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द किरित पारिक पैनल रिकमेंडेशंस। इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी सर, ये तो अप्रैल में काफी हद तक न्यूज में थे, तो आई होप इसका आंसर आप बता पाएंगे। तो किरित पारिक पैनल की रिकमेंडेशन किससे रिलेटेड है? हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए। नो आइडिया, गेट एन आइडिया। किरित पारिक पैनल की रिकमेंडेशन है नेचुरल गैस प्राइसिंग से लेकर। देखो नेचुरल गैस सेक्टर में अगर हम बात करें तो इंडिया में पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस ज्यादा है, यानी इंडियन कंपनीज इसमें ज्यादा है, मतलब सरकारी कंपनी ज्यादा एक्टिव हैं। प्राइवेट कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, आपका इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ये सब गैस का व्यापार करते हैं इंडिया में, ये सब इंडिया में नेचुरल गैस बेचते हैं। अब लेकिन सर नेचुरल गैस के प्राइसिंग को लेके हमारे तरीके बड़े अलग है। हमारे तरीके नेचुरल गैस के फिक्स करती है गवर्नमेंट, ठीक है। नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने के दो फील्ड्स है हमारे पास। एक टाइप ऑफ फील्ड कहलाती है लेगेसी फील्ड। लेगेसी फील्ड वो फील्ड होती है जहां पर हम बरसों से, सालों से गैसेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसके बारे में इस पैनल ने रिकमेंड किया है कि लेगेसी फील्ड वाली जितने भी एक्सट्रैक्शन है वो सब लगभग सरकार के कंट्रोल में है, ठीक है। तो वो सब सरकार के कंट्रोल में है, तो वहां पर आप प्राइस क्या करो, 2027 तक फिक्स रखो, ठीक है। मतलब 2027 तक वहां के प्राइस गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करे, और उसके बाद वहां पर प्राइस फ्री कर दिया जाए कि मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए, कि मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग उसका प्राइस कंट्रोल किया जाए, ठीक है, फ्री कर दिया जाए उसका प्राइस। जैसे अभी गवर्नमेंट प्राइस को फिक्स रखती है, उसी तरह से कुछ होती है नॉन लेगेसी फील्ड। नॉन लेगेसी फील्ड जहां पर हम बहुत सालों से एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, बट अभी कुछ सालों से एक्सट्रैक्ट करना गैस स्टार्ट कर दिया है। तो नॉन लेगेसी फील्ड से जो आपका गैस निकल रही है वहां पर आप देखोगे प्राइवेट प्लेयर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो प्राइवेट प्लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से वहां पर गवर्नमेंट पूरी तरह से प्राइस मैनेज नहीं कर पाती है। लेकिन यहाँ पर भी 3 सालों तक के लिए इस पैनल ने कहा है, एक सीलिंग बना दी है, एक प्राइस फिक्स कर दिया है कि आप इससे ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते। उसके बाद 3 साल बाद इसको भी कहा है, तुम भी फ्री हो जाना, जैसे चाहो वैसे अपने प्राइस मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग रेगुलेट करना, ठीक है। तो मेन किरिक पारिक कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि नेचुरल गैस पे जीएसटी लगाओ, जैसे अभी वैट लगता है,
जिसमें वैट में क्या होता है, दो पार्ट हो गए, एक स्टेट को जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो जो स्टेट को जाता है वहां पर स्टेट अपने अकॉर्डिंगली उस टैक्स को मैनिपुलेट कर लेता है कि कितना परसेंट घटाना बढ़ाना। तो अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस में गैस बिक रही है। अगर जीएसटी हो जाएगा तो हर एक स्टेट में गैस का प्राइस सेम हो जाएगा, ये इस रिपोर्ट ने रिकमेंड करा। प्लस साथ ही साथ जब गैस का प्राइस हर स्टेट में सेम हो जाएगा तो हो सकता है कुछ स्टेट को टैक्स का लॉस हो, तो उनके लॉस को कंपनसेट करा जाए। ठीक है, तो ये दो चार बातें इम्पोर्टेंट कीरित पारेख पैनल ने रिकमेंड करी हैं रिगार्डिंग नेचुरल गैस प्राइसिंग। ठीक है, तो आपको रिकमेंडेशन याद नहीं रखनी है, बट मैंने एक बार आपको ब्रीफली बता दिया है कि इस पैनल ने क्या रिकमेंड किया है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये पैनल किस इशू से रिलेटेड है, ये नेचुरल गैस प्राइसिंग से रिलेटेड आपका पैनल था। क्लियर है सर? आई होप इट इज क्लियर नाउ। यहाँ पर एक चीज देख लेना, कैबिनेट कमिटीज। कैबिनेट कमेटी क्या होती है? ठीक है, जैसे एक हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी कैटेगराइजेशन होता है, जो सबसे टॉप के मिनिस्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। हर एक मिनिस्ट्री का जो टॉप मिनिस्टर होता है, बड़ी मिनिस्ट्री का, उसे हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कैबिनेट मिनिस्टर को मिला के अलग अलग कमेटीज बनाई जाती हैं। जैसे एक कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। और इसमें इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड है तो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होंगे, और भी एक दो मिनिस्ट्री से मिनिस्टर्स होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो मेनली तो इस तरह से अभी तक इंडिया में इस बार, अभी जो 2019 में सरकार बनी, तो इन्होंने 8 कैबिनेट कमेटीज बनाई। 1 2 3 4 5 6 7, इतनी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैबिनेट कमेटीज बनाई। अपॉइंटमेंट कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी का काम क्या होता है, जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं गवर्नमेंट में, कहाँ पर किस पर्सन को अपॉइंट करना है वो देखता है। एक होती है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस। एक होती है पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटी से रिलेटेड डिसीजन। एक होती है इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ। एक होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है, देश की सिक्योरिटी की बात हो रही है। एक होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे कमेटी, और एक होती है, अभी ये नई बनाई थी इस बार प्रधानमंत्री ने, दो नई कमेटीज, एक बनाई थी कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, और एक कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन। ठीक है, तो इस अभी फिलहाल इंडिया में 8 ही कैबिनेट कमेटीज हैं। ध्यान रखना, जनरली कैबिनेट कमेटीज का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अभी जो सारी कमेटीज हैं इसमें आप कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन हटा दो और कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स हटा दो, इन दोनों कमेटी के अलावा बाकी सारी कमेटीज का जो चेयरपर्सन है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कैबिनेट कमेटी का चेयरपर्सन कौन होता है, तो ये दो कमेटीज हटा दो तो बाकी सबका चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये कैबिनेट कमेटी से भी रिलेशन क्वेश्चन आपके में बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया। क्लियर है? देखो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ही चीजें, इसीलिए मैं कहता हूँ जीके वाली क्लास आप जरूर करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा रेंडम जीके फैक्ट्स हैं, जीके नॉलेज है, सब्जेक्ट स्टैटिक नॉलेज है, जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो नॉलेज बेस है वो एक वाइड बेस बन जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक नैरो बेस में आपको लिमिटेड चीजें ही पता, तो अगर एक वाइड वैरायटी में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दैट जीके इज वेरी मच हेल्पफुल। ठीक है सर, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। और आप जो आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं, आप उनको देखोगे तो आपको यही लगेगा कि वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आपसे स्टैटिक जानकारी चाह रहे हैं, वो एक जनरल अवेयरनेस आपसे चाह रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ एक जनरल बेसिक अवेयरनेस भी जरूरी है। ठीक है, अब जैसे पूछ लिया कि जापान में सम वॉरियर को क्या कहते हैं, तो ये तो सर अब ना करेंट अफेयर्स का सवाल है, ना ही है क्या कहते हैं आपका किसी, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट का सवाल है। ठीक है, तो ये तो रेंडमली अगर एक अवेयरनेस का सवाल है, ठीक है, आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, जापान के बारे में थोड़ा बहुत पता पढ़ा होगा तो पता होगा समुराई कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के अवेयरनेस के क्वेश्चंस इस अब बढ़ रहे हैं इन द अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो
तो वो जो अवेयरनेस वाला पार्ट है वो आप करंट अफेयर से मजबूत कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ सर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज अनाउंस टू लॉन्च अ सिक्योर वेब बेस्ड सेंट्रलाइज पोर्टल नेम्ड प्रवाह, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। तो ये जो प्रवाह पोर्टल है किसने लॉन्च करना है, किसने लॉन्च करने का अनाउंस किया है, बताइए सर। ये प्रभा पोर्टल कौन कर रहा है? सेबी लॉन्च कर रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, या फिर आपका नीति आयोग कर रहा है? हाँ जी सर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके तुक्का लगाने की कोशिश कीजिए। ओके, तो सी लगाएंगे। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, करेक्ट आंसर इज आरबीआई। ठीक है, करेक्ट आंसर इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये प्रभा पोर्टल से होगा क्या? अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, उन्हें कई बार आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत होती है। तो आरबीआई के अप्रूवल के लिए वो लोग क्या है, आरबीआई में एप्लीकेशन भेजते हैं। लेकिन सर, आरबीआई कोई खाली बॉडी तो है नहीं, बहुत काम रहते हैं, तो अप्रूवल में टाइम लग जाता है। लेकिन जिसने अप्रूवल भेजा है, अब उसको पता नहीं ये अप्रूवल कब तक एक्सेप्ट होगा। वो बेचारा रोज इनका वेबसाइट चेक कर रहा है, अप्रूवल एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इसीलिए आरबीआई ने एक पोर्टल बना दिया है जहां पर पहले तो जितनी भी अप्रूवल की रिक्वेस्ट आएंगे वो सारी स्ट्रीमलाइन करी जाएगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। उसके बाद हर एक अप्रूवल के लिए टाइमलाइन दे दी जाएगी कि आपका अप्रूवल 1 महीने में आ जाएगा, आपका अप्रूवल 1 हफ्ते में आ जाएगा, या आपका अप्रूवल 3 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसलिए इससे क्या होगा, जो अप्रूवल भेज रहा है तो उसको भी क्लैरिटी रहेगी चीज़ों को लेके, उसके अकॉर्डिंगली वो ज़्यादा अच्छे प्लान बना पाएगा। तो इससे रेगुलेटरी प्रोसेस में इफेक्टिवनेस आएगी। ठीक है, और लोगों का बिजनेस करना आरबीआई से ये थोड़ा सा ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस वजह से आरबीआई ने ये प्रभा पोर्टल बनाया है। ठीक है, नाबुम जी के साथ सब अच्छा हो रहा, दैट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। पार्टी मांगने वाले पहले आ जाते हैं, इंसान कुछ अच्छा ना कर पा, पार्टी चाहिए। चलो ठीक है, पार्टी मांगना भी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। चलो जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। रिसेंटली ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन टेम्पो इंस्ट्रूमेंट, जिसका काम है एयर पॉल्यूशन ट्रैक करना, इसको किसने लॉन्च किया? नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या जाक्सा ने, या चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन? हम लोग प्रे करेंगे नाभुक जी कि आपके लिए सब बढ़िया हो। ठीक है, फिर पार्टी का भी आपकी तरफ से वेट रहेगा। हाँ जी सर, टेम्पो एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया है एयर पॉल्यूशन को ट्रैक करने के लिए, किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? अब देखो, देशभक्ति तो यहाँ जरूरी है नहीं, देशभक्ति की कि मतलब सर इसरो है तो हम तो देशभक्त हैं, हम तो इसरो ही आंसर लगाएंगे कुछ भी हो, तो देशभक्ति वेक्टर काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर चारों विदेशी हैं तो देखो क्या लगा सकते हो सर। हाँ, तो एयर पॉल्यूशन ट्रैक करने वाला ये किसने बनाया सर? नासा ने बनाया। यूरोप में है नहीं तो यूरोप करेगा क्या इसका, और चाइना पॉल्यूशन को मानता नहीं है तो क्या लगता है सर, और जापान को में भी जरूरत नहीं है तो कौन बचा? नासा। ठीक है, तो नासा ये सिस्टम क्रिएट किया हुआ है जिससे वो पूरे नॉर्थ अमेरिका में एयर पॉल्यूशन को ट्रैक करेगा। जैसे
हमने भी एक सिस्टम बनाया है सफर, ठीक है, हमारा एक सिस्टम है सफर, उसी तरह से उन्होंने क्या बनाया है, टेम्पो। क्वेश्चन नंबर 20, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड द गज उत्सव 2023 एट काजीरंगा नेशनल पार्क। इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो SSB में आपका नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, इनसे एक सवाल आता ही आता है, कई एग्जाम्स में आप देखोगे मिल ही जाएगा। इस बार भी टाइगर रिजर्व पूछा था, तो इनको अच्छे से करना है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात हो रही है, ठीक है, उन्होंने गज उत्सव 2023 इनॉग्रेट किया है, तो ये किस स्टेट में। गज का मतलब होता है एलिफेंट, ठीक है, गज वर्ड किससे रिलेट है, एलिफेंट। हाँ जी सर, ये तो कोई बहुत टफ नहीं है, इसका करेक्ट आंसर इज आसाम, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा, आसाम मिलेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका खाता खोलने के लिए, तो जिनका खाता नहीं खुला हो, आई होप यहाँ पर खाता खुल गया होगा। तो अभी क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट को 30 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रेसिडेंट ने ये उत्सव इनॉग्रेट किया, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट एलिफेंट एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो दो तरह की स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट 60% खर्च करती है, 40% स्टेट्स खर्च करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेट है या हिली स्टेट है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट 90% स्पेंड करेगी और स्टेट गवर्नमेंट 10% स्पेंड करेगा। तो इस तरह की स्कीम कहलाती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वहां पर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है, तो वो कहलाती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, 1992 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये किस लिए लॉन्च किया गया था, फॉर द सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट्स। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था टाइगर्स के लिए, इसी तरह से प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था। अब इंडिया में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो किसकी होगी, एशियन एलिफेंट्स की होगी। एशियन एलिफेंट्स का साइंटिफिक नेम ध्यान रखना, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, ठीक है, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, ये साइंटिफिक नेम है। कंजर्वेशन स्टेटस देखोगे तो IUCN के हिसाब से इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है सर। चलो जी, तो दैट वाज अबाउट प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो आज यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो जी, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस के लिए वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।